अमेरिका जा रहे हैं तो वहां पर क्या बातचीत होगी? और साथ ही पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। आपके पहले दौर में जरदारी साहब ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की बात की थी, तो क्या ये दो, एक अमेरिका का दौरा और ईरान गैस पाइपलाइन? जहां तक अमेरिका का दौरा है, कोई अमेरिका का दौरा फाइनलाइज नहीं हो चुका है अब तक। हमारा एक ही फोन कॉल रहा है अमेरिका का वजीर खारजा के साथ, बहुत अच्छा रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके हम जो भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उन पे काम कर सकेंगे, और उनमें से एक ममालिक जरूर अमेरिका होगा। जो आपका दूसरा सवाल है, पाकिस्तान में जो बहरान है, जो पावर का बहरान है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें सब मिलकर मेहनत करना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में जो काम पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए किया है, वो आपके सामने है। हमने सीपैक की बुनियाद रखा, सीपैक के थ्रू मुल्क भर में पावर प्रोजेक्ट्स का जाल बचाया और काफ़ी हद तक लोड शेडिंग पे काबू कर चुके थे। अब ऐसे क्या हुआ पिछले 3 सालों में, क्या नालायकी, क्या नाकामी, क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया गया कि हम अब अप्रैल और मई के महीने में भी बदतरीन लोड शेडिंग का मुकाबला कर रहे हैं। हमारा उम्मीद है कि नया हुकूमत का जो मनसूबाबंदी है, जो प्लान है, वो फेजेस में हमें उस पॉइंट पे वापस ले जा सकेंगे जो हम इस तब्दीली के नाम पे तबाही करवाया गया। उससे पहले के जो नतीजा था, जो पॉइंट था, जहाँ ना लोड शेडिंग का मसला था और आगे का एक मनसूबा नजर आ रहा था, हम उस जगह पे वापस जाना चाहेंगे। और इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना है, अप्रैल और मई के महीने हैं, हमारा सिंध सूबा में पूरा दुनिया भर का सबसे बदतरीन जो मौसम है, जो सबसे ज्यादा गर्मी है, वो जेकबाद और दादू का टेम्परेचर है इस वक्त। तो हम समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस है, उसको एड्रेस करना है।